नमस्कार, अब खबर है झज्जर से। झज्जर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर झज्जर गुरुग्राम रोड पर स्थित एक होटल पर छापेमारी कार्रवाई करके संदिग्ध अवस्था में 6 महिलाओं सहित 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महिला मामले की जानकारी देते हुए सीआईए प्रभारी झज्जर निरीक्षक योगेश कुमार व महिला थाना प्रभारी सीमा कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर महिला थाना झज्जर व अपराध शाखा झज्जर की संयुक्त टीम द्वारा झज्जर गुड़गांव रोड पर स्थित एक महाराजा होटल पर छापेमारी करवाई गई। छापेमारी के दौरान होटल संचालक सहित 14 आरोपियों को काबू किया गया। उन्हें बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, सतीश निवासी गाँव बधानी ने झज्जर गुरुग्राम रोड पर गांव नोरंगपुर के पास एक होटल बना रखा है, जिसमें वो होटल की मैनेजर दिल्ली निवासी एक महिला के साथ मिलकर बाहर से औरतों को बुलाकर अपने होटल में वेश्यावृत्ति का धंधा करवाता है। गुप्त सूचना वाले पुलिस अधीक्षक महोदय झज्जर श्री पंकज नैन IPS को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने दिशा निर्देश अनुसार व सहायक पुलिस अधीक्षक शंशाक कुमार सावन के मार्गदर्शन में पुलिस की संयुक्त छापमार टीम का गठन किया। पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा छापमार कार्रवाई से पूर्व पुलिस कर्मचारी को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा गया, जिससे इशारा पाकर संयुक्त टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। छापामार कार्रवाई के दौरान होटल के मालिक व महिला मैनेजर सहित 14 आरोपियों को काबू किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान जगदीश पुत्र कंवरलाल निवासी गांव दुजाना, मनोज पुत्र केशव निवासी मुरैना मध्य प्रदेश, उपेंद्र भवानी पुत्र राधेश्याम निवासी जिला मुरैना मध्य प्रदेश, भगवान दास पुत्र मनसाराम निवासी जिला आजमगढ़ यूपी, होटल मालिक सतीश पुत्र छतर सिंह निवासी गांव बधानी जिला झज्जर, हाल कंवर सिंह कॉलोनी वार्ड नंबर 1 झज्जर, होटल में वेश्यावृत्ति की इंतजार में बैठे 2 आरोपी गौरी शंकर उर्फ कालू पुत्र घनश्याम निवासी चरखी दादरी व जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र सत्यनारायण निवासी चरखी दादरी सहित 6 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्थानीय पुलिस की संयुक्त छापामार टीम द्वारा होटल व अनेक अपहृत वस्तुएं भी बरामद की गई। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया। इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। झज्जर से सुमित कुमार की स्पेशल रिपोर्ट।